पिछले दिनों मैंने एक मैसेज दिया था बजट के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, जिस दिन फेडरल बजट अनाउंस हुआ उसके नेक्स्ट डे मैंने कहा था कि बजट के अंदर हमेशा की तरह पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, एड्रेस नहीं किया गया। तो डिसेबल पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन या DPO, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डिबेट को स्टार्ट करें और इसके ऊपर बात करें कि बजट में डिसेबल पर्सन के इश्यूज़ को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। डिसेबिलिटी मूवमेंट, उनके तमाम नेटवर्क्स अभी तक बिजी रहे हैं लेजिस्लेशन के ऊपर। बलूचिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट बन गया, गिलगित बल्तिस्तान में लेजिस्लेशन हो गई, सबसे पहले सिंध में पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बना, उसके बाद अब पेडल ने भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जो बिल पेश किया वो चंद माह पहले अप्रूव होकर लेजिस्लेशन की शक्ल में आ रहा है। तो अब हमारे पास लेजिस्लेशन है, अब हमें काम करना है कि हाउ टू इंक्लूड द प्लानिंग इन द बजट, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बजट एलोकेशंस क्या होने चाहिए। अगर हम एक बजट को इस लेटेस्ट बजट को एक नज़र देखें तो उसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, असिस्टिव डिवाइसेस, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, सोशल प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ का जिक्र इस बजट के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक डिसेबल पर्सन की तादाद तकरीबन 2,80,00,000 है, अगर हम वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी के एस्टीमेट्स को काउंट करें। तो इस इतनी बड़ी तादाद को बजट में नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करने के बराबर है, यानी कि ये लोग अगर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन तक एक्सेस नहीं हासिल करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी नहीं होंगे और ये डिपेंडेंट रहेंगे सोसाइटी के ऊपर। तो हमें अभी से प्लान करना होगा, वी हैव टू डिस्कस इट टुडे ताकि अगले आने वाले बजट के अंदर हम डिसेबिलिटी इशू को एड्रेस कर सकें। और अब वो कौन कौन से एरियाज हैं, मैं छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। अगर हम बात करते हैं कि हमने हमारा लॉ कहता है कि हर बिल्डिंग एक्सेसिबल होगी, तो उस एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ बजट एलोकेशंस तो होंगी ना। बजट के अंदर क्या मराहत दी जाएंगी, क्या रिबेट दी जाएंगी उसके लिए डिसेबल पर्सन्स को, और दूसरी बात डिसेबल पर्सन्स की जो फाइनेंसिंग है, जैसे उनकी जो लाइफ मैनेजमेंट है, अगर उन्हें सोशल प्रोटेक्शन कॉस्ट बैतुल माल या इन इदारों के थ्रू कहीं दी भी जा रही है तो वो जो डिसेबल पर्सन के असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो कॉस्ट उसमें शामिल नहीं है, उसके लिए कितने अमाउंट एलोकेट की गई है एनुअली गवर्नमेंट की तरफ से। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन वी नीड एन एविडेंस बेस्ड डिस्कशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तमाम DPOs को मिलकर काम करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर हमें सपोर्ट चाहिए होगी इकोनॉमिस्ट की, जो माहिर मुआशियात है वो हमारे साथ मिलकर हमें गाइड करें कि हम इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में कैसे लाएं, और फिर हम आने वाले बजट से पहले अपनी तैयारी करें। हुकूमत पाकिस्तान को भी हम हेल्प करें कि किस तरीके से बजट के अंदर डिसेबिलिटी इशू को एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू।